सभी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई और समय आ गया नज़दीक। और देखिए, इस तरह से ये प्लांट्स हैं जो मुझे फेसबुक के थ्रू किसी ने मतलब सेंड किए हैं। मैंने इसका पोस्टल चार्ज 80 रुपीज़ यानी कि 80 रुपये मैंने इसका डिलीवरी चार्ज दिया था। एंड फिलहाल देख सकते हैं ये कुछ ऐसी हालत है, मतलब बॉक्स तो लग ही नहीं रहा है। उन्होंने जब मुझे सेंड किया था ना, तो ये बॉक्स की शेप में था। जब उन्होंने फ़ोटो मुझे सेंड की थी तो ये पूरा एक बॉक्स था, लेकिन अभी के लिए देख सकते हैं बिल्कुल पिचक सा आ गया है। तो शायद यही लोग कहते हैं कि सरकारी काम कैसे होता है। तो देख लीजिए, आमतौर पर जब हम फ्लिपकार्ट या मीशो वगैरह से सामान मंगाते हैं, तो जो उस वक्त उनकी जो कुरियर कंपनीज के ज़रिए सामान आता है, तो हमारे जो मतलब बॉक्सेज होते हैं वैसे के वैसे होते हैं। बट देख लीजिए, ये है पोस्ट ऑफिस के थ्रू आया हुआ, और बॉक्स का तो पता ही नहीं था। मतलब इतना ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया कि प्लांट्स सारे के सारे दब गए थे बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से। तो ये देखिए, इस अजवाइन का प्लांट्स है, ये पर्पल हार्ट है, और कुछ ऐसी हालत है। और ये देखिए, ये रियो है, तो रियो तो मेरे पास बहुत सारे हैं। मतलब इतना ज़्यादा मैंने 30 रुपीज़ का लिया था, तो उन्होंने गाँव की नर्सरी थी, तो एक तो उसने बड़े प्लांट्स दिए थे। इसका देखिए नाम आप लोग बताइएगा मुझे, ये वाला जो दिखा रही हूँ इसका नाम नहीं पता है कौन सा बल्ब है। और ये तो पत्थर चट्टा लग रहा है मुझे, ब्राफिल या पत्थर चट्टा बोलते हैं इसको, पत्थर चट्टा हिंदी में तो पता है। और ये देखिए, ये है कोलियस। तो ये वाली वेराइटी कोलियस की मेरे पास नहीं है, मेरे पास है उसमें ग्रीन पत्तियाँ नहीं हैं। और ये पर्पल हार्ट, ये तो मतलब जो भी है, ये पूरी तरह से सूख चुकी है। ये पता नहीं क्या है, लेकिन पूरी तरह से सूख गई थी, ये किसी काम की नहीं थी। और ये है हमारा मदर ऑफ मिलियन या थाउजेंड, ऐसा कुछ है, मिलियन मदर ऑफ मिलियन या फिर मदर ऑफ थाउजेंड, यही है शायद। आप लोग का क्लियर नाम बता दीजिएगा कमेंट करके। और ये बल्ब है, मुझे नहीं पता है क्या है, देखने में तो प्याज जैसा लग रहा है, प्याज के बल्ब जैसा, लेकिन आप बताइएगा क्या है। एंड ये है बेबी सन रोज, और जो कि मैंने लगा दिया है, माता रानी करे मेरे गार्डन में जल्दी से ये ग्रो हो जाए। और ये पर्पल हार्ट है, और बोविलिन जू है यहाँ पे। और ये है कलांचो है, ये कलांचो का प्लांट, एक अच्छा चीज़ हुआ ये। और तो कुछ इस तरह से प्लांट्स आए थे मेरे पास, और पर्पल हार्ट, बोविलिन जू, कलांचो, अजवाइन का प्लांट्स भी था, दो बल्ब्स थे, ये पर्पल हार्ट है, और दो बल्ब्स थे, दो तीन थे, मुझे नाम नहीं पता है बल्ब्स के। और ये तो गुलदाउदी का है, तो गुलदाउदी मैंने ऑलरेडी सीजन जब जा रहा था तब मैंने परचेज़ किया था गुलदाउदी का प्लांट 20 रुपये में। और मैं इसीलिए ले आई थी कि ताकि नेक्स्ट सीजन मेरे गार्डन में मैं उनको बचा के रख सकूँ, और मैंने अभी तक उनको स्टोर करके रखा है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि गर्मियों में आप गुलदाउदी को कैसे बचा सकते हैं, और मैंने उसकी कटिंग्स वगैरह भी ढेर सारी लगा ली हैं, तो मेरी कटिंग्स भी अच्छे से ग्रो हो रही हैं, चल रही हैं। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा ज़रूर से, और मैं कार्ड्स में आपको भी मिल जाएगा उसका लिंक्स। तो ये सारे प्लांट्स को मैं वाटर में कर दे रही हूँ, ताकि मतलब अभी तक तो जितना नुकसान हुआ हुआ, अब आगे ना हो। क्योंकि ये जो प्लांट्स मुझे मिले, ये सुबह मुझे तकरीबन 9 बजे तक डिलीवरी बॉय लेके आ गया था, 9 बजे मुझे सुबह मिले थे। और मैंने उनको जो है लगाया था शाम को, मैंने लगाया था सारे प्लांट्स को। और बात करूँ तो ये जो प्लांट्स है ना, आज संडे है, मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, और शायद आज अपलोड भी कर लूँगी। बट गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार थर्सडे के दिन मुझे ये सारे प्लांट्स मिल गए थे। थर्सडे को मैंने प्लांट्स को लगा भी दिया था, और सुबह के समय मैंने इन सारे प्लांट्स को वाटर में करके रख दिया, और फिर शाम को मैंने इन सारे प्लांट्स को लगाया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक एडवाइस देना चाहूँगी, कहीं भी अगर आप प्लांट्स भेज रहे हैं मतलब, तो जो प्लांट्स की रूट्स हैं ना, कटिंग हो या रूट्स हों, उनमें सारे प्लांट्स में गीली मिट्टी लगा दीजिए आप। हाँ दोस्तों, गीली मिट्टी, खूब सारी गीली मिट्टी, मतलब थोड़ी सी गीली मिट्टी लगा के उसको खूब अच्छे से गीला करके पन्नी जो होती है पॉलिथीन से, उसकी जड़ों के पास रैप कर दीजिए, लपेट दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपका प्लांट्स है ना, वो हरा भरा रहेगा, और जो जड़ें हैं या फिर इस तरह से, तो वो ख़राब नहीं होंगी, और जहाँ आप भेजना चाहते हैं अच्छे से चली जाएंगी। अदरवाइज कुरियर कंपनी वालों ने मेरी वाले प्लांट्स की तरह अगर हाल किया, फिर तो फिर किसी की गलती नहीं, वो तो कुरियर कंपनी वालों की गलती है। जैसे देख सकते हैं मेरा बिल्कुल चपटा हो गया था, और इसी वजह से मेरे काफ़ी प्लांट्स ख़राब भी हुए। और देखिए,
मतलब क्या ही कहूँ मैं, उनकी हालत देखने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ था। और चलिए देखते हैं, इनको लगाते हैं फटाफट से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पॉट्स ले लिए हैं। ये मैंने पॉट्स जो है शॉपसी से या मीशो से मंगाए थे, मुझे याद नहीं है, शायद शॉपसी से मंगाया था मैंने, यानी कि फ्लिपकार्ट से। और देखिए तो फटाफट से मैं पत्तियाँ भर रही हूँ। उस वक्त आज मतलब संडे को मैं गार्डन की सफाई करके आई हूँ, अदरवाइज बृहस्पतिवार को मैंने गार्डन की सफाई नहीं की थी। तो पत्तियाँ मतलब चारों तरफ फैली थी, कहीं भी बैठ जाओ आपको ढेर सारी पत्तियाँ फील करने के लिए मिल जाएंगी। पत्तियों की तो कमी ही नहीं है इस वक्त मेरे पास जैसे कि। तो फटाफट से देखिए कुछ इस तरह से, और मिल्च विल्च करके मैंने डाल दिया। और इसके बाद चलिए मिट्टी, तो थोड़ा मैंने बाकी के पॉट्स से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल के लाई थी, वो है और भी है मतलब मिट्टी। तो इस तरह से मैंने इनको फिल किया और मिट्टी तैयार करके रखी थी। फटाफट से पॉट में मैंने मिट्टी फिल कर ली। मैंने वैसे मिट्टी वेलड्रेन ही तैयार की है क्योंकि कटिंग्स हैं तो वेलड्रेन के मतलब सही रहेगा पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि ज़्यादातर सकुलेंट टाइप के प्लांट हैं। तो इस तरह से मैंने मिट्टी फिल कर लिया तीनों पॉट्स में। और फ्रेंड्स, मिट्टी फिल करने के बाद अब बारी आती है इन प्लांट्स को लगाने की। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से काम कर रही हूँ। रात का समय हो गया था जब मैं टेरेस पे आई थी काम करने के लिए। तो और मतलब क्या ही कहूँ, ये देखिए ये पर्पल सॉरी टर्टल वाइन है जो मैंने वाटर में डाल दी थी, और इस तरह से मैं लगा दे रही हूँ। अब देखते हैं कितने प्लांट्स होंगे। तो आज तो संडे है, टर्टल वाइन और बोविलिन जू मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में। टर्टल वाइन तो फिर भी ठीक ठाक ही थी, बोविलिन जो पूरी तरह से मतलब वो नष्ट हो चुकी थी, बट आशा है कि थोड़े बहुत बच जाएंगे। थोड़े बहुत भी बचेंगे तो मतलब बरसात आते आते मेरे पास ढेर सारे हो जाएंगे। क्योंकि मैंने वंडरिंग चूँकि बहुत छोटी सी कटिंग, 4 इंच की मेरी एक कटिंग थी, 4 इंच की या 6 इंच की, और उसी से आज मेरे पास इतनी सारी वंडरिंग जो तैयारी में पूछ मत, क्योंकि जो बरसात आई थी ना तो बरसात में वो इतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई कि फिर पूछियो मत। तो फटाफट से मैं लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। और इसमें तो जो मैंने लगाया था ना, तो यहाँ इतनी ज़्यादा धूप आती है कि सर्वाइव नहीं पाया, तो बाद में मैंने इसको निकाल के कहीं और शिफ्ट कर दिया था। अभी आप इसमें लगाते हुए देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक पॉट में मैंने टर्टल वाइन और बोविलिन जू लगा दिया है, और बाकी के जो बोविलिन जू थे मैंने ऐसे रख के ऊपर से मिट्टी हल्की डाल दी कि जिनको ग्रो होना होगा वो हो जाएंगे। और टर्टल वाइन है तो इसको तो मैंने मतलब 2 पॉट में लगा दिया था, और थोड़ा सा दूसरे पॉट में भी शिफ्ट कर दिया, देखिए कुछ इस तरह से। और ये तो मतलब आशा है कि चल जाएंगे, जैसे ही 2-3 दिन हो जाएंगे इनको धूप में शिफ्ट कर दूंगी। और देखिए अभी तो मैं एक ही पॉट में ढेर सारे लगा रही हूँ, जैसे कि अभी एक पॉट में अभी आप देखेंगे तो मैंने ढेर सारे प्लांट्स एक ही पॉट में लगा दिए हैं, क्योंकि जैसे मेरे पास पॉट्स आ जाएंगे उनको मैं शिफ्ट कर दूंगी। लेकिन एंड फ्रेंड्स, आप ये जो बल्ब देख रहे हैं ना, मतलब ये मुझे आइडिया नहीं है कि इसके बारे में क्या केयर कैसे करनी है, तो बल्ब के बारे में आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, जिसको भी जानकारी हो किसके बल्ब हैं और उनकी केयर कैसे करनी है, क्योंकि मुझे इसका नाम ही नहीं पता है मैं सर्च कर सकूँ ये बल्ब किसके हैं। और मैं कोशिश करूँगी उनसे कॉन्टैक्ट करने की, उन्होंने किस चीज़ के बल्ब भेजे हैं। तो फिलहाल मदर ऑफ मिलियन एंड कलांचो, और ये है पत्थर चट्टा, तो देख सकते हैं। मैं माता रानी से बस यही प्रार्थना करूँगी मेरे सारे प्लांट्स लग जाएँ, क्योंकि जो रूट्स थी ऐसे ही आ गई थी, 4-5 दिन तक खुली थी, तो मुझे नहीं पता लगेंगी कि नहीं लगेंगी मतलब। और काफ़ी ज़्यादा ये लोग ये सारे प्लांट्स मतलब दब भी गए थे, तो सच को तो मुझे प्लांट्स की हालत देख के रोना आ गया था। और ये देखिए किसका चीज़ है, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, और फटाफट से उसके बाद इसकी केयर के बारे में भी बता दीजिएगा। तो ये है देखिए अजवाइन है, और जेड प्लांट की एक छोटी सी कटिंग उन्होंने दी थी, तो मैंने उनको रोका था कि जेड प्लांट मेरे पास है, बट कोई नहीं मैंने उसको भी लगा दिया, क्योंकि मैं जेड प्लांट मेरा फेवरेट प्लांट है अगर बात करूँ तो जेड के बारे में। और आपने खुद ही देखा है मैंने कितना ज़्यादा जेड प्लांट्स मतलब एक लेकर आई थी, और कटिंग्स मैंने कितना ज़्यादा ग्रो किया है। और यहाँ पर ये देखिए मैं मैच कर रही हूँ, मेरा ही कोलियस है, सेम टू सेम या कुछ डिफरेंट है थोड़ा बहुत, ये डिफरेंट है, मेरे में ग्रीन पत्तियाँ कहीं से भी नहीं हैं, और आपने देखा मेरा कोलियस का प्लांट कैसा है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने फटाफट से सारे प्लांट्स लगा लिए। और देखिए इसके बाद
चाकू नहीं थी, मतलब मैं कुछ लेकर नहीं आई थी कि इनकी नीचे से ट्रिम करके फिर लगाऊं अच्छे से। तो मैं नीचे गई, वहाँ से अपना ये नाइफ लेकर आई जो ब्लेड है कटिंग ब्लेड, और फिर मैंने उसकी शार्प मतलब किनारे को कट किया और फिर तब मैंने लगाना स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पर मैंने ये कोलियस को इस तरह से कट करके लगा दिया है, और कोलियस की मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि मैं जब भी जाऊँगी ना फ्रेंड तो मैं ढेर सारे कोलियस के प्लांट्स ले आऊँगी। मायके मेरा जाना हो नहीं पा रहा है, हर बार प्लान बनता है फिर कैंसिल हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले भी जाने का प्लान बना था, हस्बैंड ने कैंसिल कर दिया, बट हाँ मई में तो मेरा जाना कंफर्म है, मेरे दादाजी की बरसी है और तब मैं कंफर्म जाऊंगी, और तब मैं कंफर्म है कि मैं ढेर सारे प्लांट्स लाऊंगी जो कि मेरे पास नहीं है। और देखिए ये है बेबी सन रोज, मैंने इस तरह से नीचे का एरिया कट करके लगा दिया और साइड साइड से दो छोटे छोटे प्लांट्स भी निकाल लिए लगाने के लिए। और कुछ प्रॉब्लम क्या आ गई थी पता है फ्रेंड्स, मैंने मेरे प्लांट्स लगाने के बाद मेरे बेटे ने उन सभी के ऊपर मिट्टी ले जाकर डाल दी। एक्चुअल में मैंने बोवलिन जो लगाया था उसके ऊपर मैंने हल्की सी मिट्टी डाली थी, उसने मुझे देखा था और बाद में उसने उस ले जाकर सारे प्लांट्स के ऊपर मिट्टी डाल दी। एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई, और ये है मेरा पर्पल हार्ट, मतलब ये भी मेरी बकेट लिस्ट में था बहुत, मतलब एक ही कटिंग मुझे मिली है, बट कोई नहीं तैयार होगा तो हो ही जाएगा। मेरे गांव में एक लोगों के पास मतलब बाउंड्रीज के किनारे लगी थी, तो ये तो मैंने गलत कट कर दी, ये तो कहीं से भी नहीं चलने वाली क्योंकि इसमें कोई भी नेट एरिया नहीं है तो ये ख़राब हो जाएगी। और फाइनली जब आज संडे को मैंने देखा तो ये ख़राब हो गई थी, सिर्फ यहीं वाला पार्ट जो मैं अभी लगा रही हूँ यहीं वाला में मुझे ग्रोथ दिखी है, तो और ये वाला तो एक सूख गया है, बट ये वाला जो भी लगा ना ये वाला सूख गया था, बट कोई नहीं क्योंकि एक लग गया है तो मुझे उसी में खुशी है। ये है रियो का प्लांट, तो आपने मेरा रियो का प्लांट का देखा ही होगा वाटरिंग वगैरह करते हुए, और ये देखिए रियो का प्लांट्स है और भी सारे हैं, मतलब बहुत सारे हैं, बट फिर भी आया है तो मैं इसको फेंकूंगी नहीं, मैं कहीं ना कहीं लगा दूंगी अदरवाइज किसी को दे दूंगी। मैं रियो के प्लांट्स खुद ही लोगों को देती रहती हूँ, तो देखिए इस तरह से हमारे लग गए हैं। अब ये बल्ब बचे हैं तो इसी वाले में मैं लगा दे रही हूँ, और यहाँ पर वाटर लेट्यूस आया था जो छोटा वाला आता है ना वो आया था, वो तो पूरी तरह से सूख चुका था, लेकिन देखिए इसी में मैंने साइड में लगा के रख दिया है। तो इस तरह से मैंने सारे प्लांट्स लगा लेने हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा बल्ब के नाम कमेंट कर दीजिएगा और मुझे इसकी केयर के बारे में बता दीजिएगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है इनको लेस वाटरिंग चाहिए या हाई वाटरिंग, वो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो लगभग लगभग मेरे सारे प्लांट्स लग गए हैं, और ये गुलदाउदी में नहीं लगानी क्योंकि ये पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, और मेरे पास ऑलरेडी है भी तो मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं ना। और यहाँ पर देखिए ये अजवाइन वगैरह की कटिंग्स को मैं नीचे से इस तरह से कट कर ले रही हूँ अच्छे से, और फिर अजवाइन की कटिंग लगाऊंगी। मेरी अजवाइन की कटिंग लग चुकी है, देखने में ही समझ में आ रही है। अजवाइन जो होता है एक मेरी समझ से खाड़ी प्लांट होता है, ज़्यादा वाटरिंग ना करे तो ये बहुत अच्छे से चल जाता है, इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है। और 20 रुपये की मुझे बहुत बड़ा अजवाइन का प्लांट वो दे रहे थे, मैं उस वक्त नहीं ली, तो मुझे आज भी उसका पछतावा होता है नर्सरी वाले से। तो देखिए ये गिर गया और इसको मैंने फिर से सेट किया इसमें, तो इस तरह से मेरे सारे प्लांट्स लग गए। यहीं जो मिट्टी डालने की प्रोसेस मैंने अभी की ना, मेरे बेटे ने यहीं देख लिया क्योंकि वो साथ में ही था, तो मेरे प्लांट्स लगाने के बाद मैं लगा के बाकी के प्लांट्स में वाटरिंग करने लगी, और तब तक उसने मिट्टी इतनी ले जाके डाल दी कि क्या ही कहूँ बोवलिन जो के ऊपर, बट फिर भी मेरा चल गया और कोई नहीं। ये देखिए जो बचे कुचे प्लांट्स हैं ना बेबी सन रोज़, मैं इसी में जगह जगह लगा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें शेयर करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें।